करेंगे और पीछे आप इस तरह से लगा देंगे। ये सिंपल एंड अट्रैक्टिव हेयर स्टाइल रेडी है। ये देखिए आप, ये पीछे का लुक आएगा, बिल्कुल प्यारा सा लुक। देखिए, हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आज मैं आपको, जैसे कि फेस्टिवल पे फेस्टिवल आ रहे हैं, दुर्गा पूजा है, दीपावली है, छठ है, कंजक पूजा है, तो इन सारे त्यौहार में आप 3 से 5 साल 6 साल के बच्चों का हेयर स्टाइल कैसे बनाएंगे, वो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो ये बेबी मेरी 3 साल की है, तो मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि अगर आपकी बेबी 3 साल 4 साल के बीच की है, 5 साल की है, तो उसका हेयर स्टाइल कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहला हेयर स्टाइल मैं आपको जो बता रही हूँ, ये सारे स्पेशल फेस्टिवल त्यौहार के लिए हैं, तो आप फेस्टिवल पे इस तरह से अपने बच्चों का हेयर स्टाइल कर सकते हैं। मैं आगे देखो, तो सबसे पहले मैं आपको बन डिजाइन हेयर स्टाइल बताने जा रही हूँ। बन के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले बच्चे के सारे हेयर को आप पीछे अच्छे से कॉम कर देंगे, इस तरह से सारे हेयर को पकड़ के ले लेंगे, इस तरह से सारे हेयर को ऊपर कर लेंगे। ऊपर करने के बाद आप कोई भी मोटा पतला इस तरह से रबर लेंगे, मोटा लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, एंड मैं ज़्यादा मोटा भी नहीं ले रही हूँ, मैं मीडियम साइज़ ले रही हूँ। तो आप इस तरह से रबर लेके और 2-3 बार अच्छे से टाइटली आप इस तरह से पोनी बना देंगे और आधा बाल के बीच में ऐसे छोड़ देंगे, ठीक है। उसके बाद आप सारे हेयर को फैला देंगे अच्छे से। ये देखिए, ये मैंने चारों तरफ से फैला दिया और अब ये अच्छे से फैल गया है। और अब क्या करेंगे, आप कोई भी अच्छा सा बन लेंगे, ये इस टाइप का बन, इसमें बड़ा बन भी आता है, छोटा बन भी आता है। तो ये मेरा बड़ा बन है, एक्चुअली ये मेरा है और इसमें छोटा भी आता है, तो आप बच्चों के लिए ले सकते हैं मार्केट से। और ये लेके आप बच्चों के इस हेयर से ऊपर से कर देंगे, इस हेयर स्टाइल को आप दुर्गा पूजा में ट्राई करेंगे, कंजक में जब बेबी आती है खाने के लिए, दीपावली में ट्राई करेंगे, बिल्कुल मस्त लुक आता है इससे। सेफ्टी पिन नहीं, इस तरह के जो पिन आते हैं उससे आप इसको सिक्योर कर देंगे, ठीक है। अच्छे से चारों तरफ से आप एक एक कर देंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, इस तरह के बहुत ही अच्छे अच्छे मार्केट में फ्लावर्स वाले क्लिप आएंगे, वो आप ले सकते हैं। और आपको ये कहाँ लगाना है, ये देख सकते हैं आप, पंगी टाइप बना हुआ, ये आगे से आपको इस टाइप से ऐसे करेंगे और बिल्कुल ये सेट हो जाता है। ये देखिए, ये मैंने बच्चे को अच्छे से सेट कर दिया, ये हो गया सेट। और आप पीछे के लिए आप इस तरह के फ्लावर वाले ले लेंगे और पीछे आप इस तरह से लगा देंगे। ये सिंपल एंड अट्रैक्टिव हेयर स्टाइल रेडी है। ये देखिए आप, ये पीछे का लुक आएगा, बिल्कुल प्यारा सा लुक। देखिए कितना सुंदर, किसी भी पार्टी में आप बच्चे को ले जा रहे हैं, शादी का पार्टी में, हैवी ड्रेसेस, हैवी फ्रॉक के साथ ये हेयर स्टाइल काफ़ी अच्छा एंड काफ़ी प्यारा लगेगा। तो ये हेयर स्टाइल आप अपने बच्चों के लिए जरूर ट्राई करें। तो ये हेयर स्टाइल काफ़ी प्यारा लगता है, तो आप मस्त लुक आता है। तो फर्स्ट लुक हमारा रेडी है, हम सेकेंड हेयर स्टाइल बनाएंगे। सेकेंड हेयर स्टाइल के लिए हमें क्या करना है वो आप देखते जाइए, बिल्कुल सिंपल है पर थोड़ा सा आपको ट्रिक सीखना है। सारे हेयर को 2 सेक्शन में कर लेंगे इस तरह से, एक सेक्शन से बाल हेयर ले लेंगे, ठीक है, पीछे का सेक्शन सारा छोड़ देंगे और आगे से आप इस तरह से ये बस आपको इतना पार्ट लेना है, ठीक है, टेढ़ा मेढ़ा ना हो, थोड़ा सा ये चेक करते हुए हेयर बिल्कुल हमें सीधा लेना है ताकि हमारा पोनी काफी अच्छा लगे। सो हमने ये ऐसे कर लिया। और आप कोई भी कलरफुल रबर या फिर सेम कलर जो भी आपको है वो आप इस तरह से लेके आगे से आप बन गया। और सेकंड भी हम सेम बनाएंगे, तो हम बस इस तरह से सेक्शन से सारे हेयर निकाल लेंगे, ठीक है, आधा निकाल के फिर इसको बैक करेंगे पीछे और पीछे अच्छे से कॉम करते जाएंगे, ऐसा ना हो टेढ़ा मेढ़ा हो जाए। सो ये हमारा सेकेंड हेयर स्टाइल रेडी है और आप देख सकते हैं कितना प्यारा लुक आ रहा है। पीछे इस तरह से सारे बाल खुले हुए हैं, अगर आप चाहें तो पीछे कुछ स्टाइल दे सकते हैं। बाकी आप देख सकते हैं कितना प्यारा लुक आ रहा है खिल के। और अगर थोड़ा ज़्यादा बाल हेयर है तो थोड़ा सा आप इसे कर्ली भी कर सकते हैं, बट डेली लाइफ में कर्ली की ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि छोटे बच्चे को इतना ये सब चीज़ें ना करें तो वही अच्छा। सो गाइस, ये हमारा सेकेंड हेयर स्टाइल रेडी हो गया है और काफ़ी प्यारा लुक आ रहा है, आप देख ही सकते हैं। और थर्ड हेयर स्टाइल जो है, पफ बनाने के लिए क्या करना है, इस तरह से आपको साइड से हेयर लेना है, ठीक है, We can sit together. पतले बाल हैं तो भी अच्छे बनेंगे एंड मोटे हेयर हैं तो भी अच्छे बनेंगे। हेयर स्टाइल के लिए आप देखिए कैसे करना, आगे करके आप इस तरह से हेयर को
ट्विस्ट करेंगे एंड कोई भी आप इस तरह से छोटा वाला क्लच लेंगे, इस तरह से पीछे आप अच्छे से इसको दबा के लगाएंगे ताकि सारे हेयर को ये लग गए। गाइज ये हमारा थर्ड हेयर स्टाइल बन के बिल्कुल तैयार, और आप देख सकते हैं कि कितनी प्यारी लग रही है और कितना प्यारा लुक आ रहा है। So, ये हो गया थर्ड हेयर स्टाइल। फोर्थ हेयर स्टाइल के लिए आपको क्या करना है वो मैं आपको दिखाती हूँ। हेयर स्टाइल हमारा काफी सिंपल है थर्ड हेयर स्टाइल की तरह, सारे हेयर स्टाइल मेरे बहुत इजी हैं एंड फटाफट बनने वाले हैं। बच्चे रोएंगे नहीं, बच्चे चिढ़ेंगे नहीं, आप फटाफट बच्चे को हेयर स्टाइल दे सकते हैं। तो इस तरह से आप पीछे वाले हेयर को पीछे ही छोड़ देंगे एंड थोड़ा सा हेयर लेके इस तरह से ऊपर कर लेंगे एंड ऊपर करके इस तरह से कर लेंगे। करने के बाद आप क्या करेंगे, कोई भी अच्छा सा रबर लेंगे और यहाँ पे मोटा रबर, पतला रबर, जो भी रबर पसंद है आपको वो आप लेंगे और यहाँ पे अच्छे से आप बेबी को ये मैंने लगा दिया और फिर सारे हेयर को इस तरह से आप फैला देंगे, ठीक है? क्योंकि मजा तभी आएगा जब आप सारे हेयर को इस तरह से फैलाएंगे। फैलाने के बाद आप इस तरह से कॉम कर देंगे पीछे के हेयर को। आगे से आप चाहे तो ये अगेन आप ये वाला फ्लावर लगा सकते हैं, अगर आपको पसंद है तो ये वाले फ्लावर काफी काम आते हैं तो आप ये लगा सकते हैं। अगर आपको ये नहीं पसंद है तो आप ये लगा सकते हैं जो मैंने आपको अभी दिखाया था, ये भी आप ये देखिए हमने लगा दिया और आप देख सकते हैं इसमें। तो ये हमारा फोर्थ हेयर स्टाइल रेडी है। फिफ्थ हेयर स्टाइल के लिए आपको क्या करना है वो मैं दिखा रही हूँ। उठाएंगे एंड आप कोई भी अच्छा सा इस तरह से रबर ले लेंगे, पॉम पॉम वाला या फिर जो भी आपके पास अच्छा सा रबर है, और इस तरह से कर देंगे आप। घर पे अक्सर हम बच्चे को यही हेयर स्टाइल देते हैं तो ये हेयर स्टाइल काफी इजी है, आप ये इस तरह से हेयर स्टाइल अपने बच्चे को दे सकते हैं। हमारे फाइव हेयर स्टाइल यहाँ पे इजी से बिल्कुल रेडी है और आप देख सकते हैं कितना इजी एंड कितना अच्छा अच्छा हेयर स्टाइल हमारा बना है। आज मैंने आपके साथ पांच हेयर स्टाइल शेयर किया, अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करिएगा, कमेंट करिएगा कैसा लगा आपको एंड प्लीज़ अगर चैनल पे नए आए हैं तो आपको जो रेड कलर का नीचे बटन दिख रहा है उसे क्लिक करना मत भूलिएगा एंड घंटी बजा दीजिएगा ताकि जब भी मैं इस तरह की कोई अच्छी सी वीडियोज डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिले एंड आप इस वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बच्चे की हेयर स्टाइल है, फेस्टिव हेयर स्टाइल है तो सबको आइडियाज मिले हेयर स्टाइल के। चलिए गाइज मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।